चलिए आज हम लोगों को ठोस के चुंबकीय गुणों को जानना है। हम लोग वैद्युत क्षेत्र के बारे में तो पढ़े हैं, फिजिक्स में पढ़ते हैं वैद्युत क्षेत्र के बारे में कि वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। तो आवेश के चारों ओर का जो क्षेत्र होता है वो वैद्युत क्षेत्र के नाम से जाना जाता है ना। तो यहां पर जब हम लोग ठोस पदार्थ के चुंबक के गुण के बारे में पढ़ते हैं तो हम लोगों को एक चीज मिलता है, चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र किसको कहते हैं? जिस तरीके से हम लोग आवेश के चारों ओर के क्षेत्र को वैद्युत क्षेत्र कहते हैं, ठीक उसी प्रकार चुंबक के चारों ओर को, चुंबक के चारों ओर का जो क्षेत्र होता है, एरिया होता है, वह क्षेत्र आपका चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। हम लोग जैसे चुंबक रखे, चुंबक अपना प्रभाव जहां तक डालता, जहां तक वो किसी भी छोटे छोटे ऑब्जेक्ट को क्या करता है, अपनी ओर आकर्षित कर सकता है, वो टोटल एरिया जो होता है वो क्या कहलाता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है, मैग्नेटिक फील्ड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जैसे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ते हैं वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड पढ़ाते हैं, यानी कि होता है। तो ऐसा देखा गया, जब हम लोग जानते हैं कि हमारे आसपास में बहुत सारे पदार्थ हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं, उन सभी पदार्थ को जैसे ही हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, यानी कि चुंबक के क्षेत्र में रखते हैं, तो हर एक प्रकार का पदार्थ अलग अलग प्रकार का गुण प्रदर्शित करने लगता है। किसी पदार्थ को रखते तो कुछ और गुण प्रदर्शित करता है, किसी पदार्थ को रखते तो कुछ और गुण प्रदर्शित करने लगता है। तो उसी गुण के आधार पर जो ठोस पदार्थ है उस ठोस पदार्थ को पांच भागों में बांटा गया है, और यहां पे हम लोग केवल तीन ही भाग के बारे में पढ़ रहे हैं। ये तीन ही भाग इंपोर्टेंट है, ठीक है, वो भी इंपोर्टेंट है, लेकिन एग्जाम के दृष्टिकोण से आपका उतना इंपोर्टेंट नहीं है। एग्जाम के दृष्टिकोण से था इसलिए हम लोग उस पर चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पे पांच भागों में जो ठोस को बांटा गया है, ये ठोस पदार्थ है। जितना भी हम लोग पढ़ेंगे अभी लोग सभी ठोस पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे, ठोस पदार्थ के चुंबकीय गुण। जैसे ही हम लोग ठोस पदार्थ को चुंबक के क्षेत्र में रखें तो चुंबक के क्षेत्र में रखने के बाद जो पदार्थ है अलग अलग प्रकार का गुण दिखाने लगा, उसी गुण के आधार पर हम लोग पदार्थ को पांच भागों में बांटे। पहला आता है अनुचुंबकीय पदार्थ, दूसरा आता है प्रतिचुंबकीय पदार्थ, तीसरा आता है लोह चुंबकीय पदार्थ, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। ठीक है, ये हम लोग फिजिक्स में भी पढ़ेंगे। तो ये आपका पदार्थ हो गया। अब इस पदार्थ को भी हम लोग जानेंगे कि अनुचुंबकीय पदार्थ यानी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस जो होता है किसको कहेंगे, ये कैसे पहचाना जा सकता है। कि जैसे हम लोगों के आसपास मान लिए लोहा का, ठीक है, एल्युमिनियम का वायर होता है, पंखा होता है लोहा का, उसको हम लोग किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखें या नहीं भी रखें तो कैसे पहचानेंगे कि यह फेरोमैग्नेटिक पदार्थ है, यानी या फिर अनुचुंबकीय पदार्थ है, या फिर प्रतिचुंबकीय पदार्थ है, पहचानेंगे कैसे। उसी को पहचानने के लिए यहाँ पे कुछ उस पदार्थ का गुण दिया गया। अनुचुंबकीय पदार्थ यानी कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस होता क्या चीज है, तो यह एक प्रकार का पदार्थ है, लोहा मान लीजिए पदार्थ है ना, आयरन वही हो गया लोहा, एल्युमिनियम, क्रोमियम, ये सभी पदार्थ है। इन सभी पदार्थ को हम लोग क्या करते हैं, चुंबक के क्षेत्र में रख देते हैं। कहां पर? तो वे पदार्थ जो चुंबक के क्षेत्र में रखने पर, जैसे ही चुंबक के क्षेत्र पर रखते हैं तो वो होता क्या चीज है, दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं। आकर्षित का मतलब अपनी ओर खींचना, जो चुंबक होगा उसको क्या करेगा, अपनी ओर खींचेगा, लेकिन बहुत ही धीरे धीरे, दुर्बल, दुर्बल का मतलब वीकली है ना, बहुत धीरे धीरे विकली तरीके से उसको क्या करेगा, आकर्षित करेगा। तो अगर कोई भी पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में विकली धीरे धीरे आकर्षित होता है तो वैसे पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं, अनुचुंबकीय पदार्थ, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के नाम से जानते हैं। ठीक है, याद रहेगा। तो यह गुण और यह जो आपका गुण कहलाता है, जो दुर्बल रूप से खींचा जाता है, इस दुर्बल रूप से खींचने वाला जो गुण है, प्रॉपर्टी है, उस गुण को हम लोग अनुचुंबकत्व कहते हैं। ठीक है, जैसे चुंबक क्या, चुंबक होता है चुंबकत्व, ये चुंबकत्व क्या होता है, तो गुण होता है। ठीक है, तो ये अनुचुंबकत्व कहलाता है। जैसे इसमें आपका कौन कौन सा पदार्थ आ जाएगा, अनुचुंबकत्व कौन हो सकता है, ये आपका एक नंबर के सवाल में पूछ भी सकता है, बताएं कि अनुचुंबकीय पदार्थ कौन है।
क्रोमियम मैग्नीज निकेल एनओ ऑक्सीजन O2 ये सारा एग्जाम्पल में दे सकता है। ठीक है, ये सभी के सभी आदि भी लिखा गया, यानी कि और भी सारे पदार्थ हैं जो अनुचुंबक के पदार्थ होते हैं। तो इसमें जो है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अयुग्मित क्या होता है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन यानी कि युग्म के रूप में जो होता है वो युग्म के रूप में नहीं, यानी सिंगल सिंगल के रूप में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अयुग्मित अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा आ जाता है प्रतिचुंबकीय पदार्थ। प्रतिचुंबकीय वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में दुर्बल रूप से प्रतिकर्षित किया जाता है। पहला क्या होता? दुर्बल रूप से आकर्षित हो रहा था, अब दुर्बल रूप से प्रतिकर्षित। तो प्रतिकर्षित में देखिए नाम ही बन गया प्रतिचुंबकीय। जब दुर्बल रूप से क्या होगा? प्रतिकर्षित होते हैं तो वही पदार्थ जो है प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, जैसे ही हम लोग चुंबक को चुंबक के क्षेत्र में पदार्थ को रखेंगे तो धीरे धीरे क्या होगा? दूर करने लगेगा ऑब्जेक्ट को, है ना, पदार्थ को। तो जो भी पदार्थ वैसा गुण शो करेगा वो प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाता है, और यह गुण जो है प्रतिचुंबकत्व कहलाता है। क्या कहलाता है? और ये एग्जांपल में N2 हो गया, NaCl हो गया, जिंक हो गया, कॉपर हो गया, ये सभी पदार्थ आपका क्या हो गया? प्रतिचुंबकत्व हो गया, यानी प्रतिचुंबकीय पदार्थ हो गया। ठीक है, उसके बाद आता है आपका लोह युक्त यानी कि लोह चुंबकीय। ठीक है, लोह चुंबक के पदार्थ क्या होता है? वे पदार्थ जो चुंबक के क्षेत्र में रखने पर प्रबल रूप से आकर्षित होता है, बहुत ही उच्च शक्ति से उसको क्या करता है? खींचता। ठीक है, तो वही पदार्थ क्या कहलाता है? आकर्षित करते हैं तो वे पदार्थ क्या कहलाते हैं? लोह चुंबक के पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, ये आपका लिखा चले जाएगा। उसके बाद यह गुण जो है लोह चुंबक को कहलाता है, जैसे आयरन कोबाल्ट निकेल क्रोमियम, ये सभी आपका क्या है? लोह चुंबक। जैसे हम लोग देखते ना है लोहा का टुकड़ा जैसे चुंबक के आसपास लाते क्या कर लेता? तुरंत अपनी ओर खींच लेता, आकर्षित कर देता, है ना। जितना भी लोहा का टुकड़ा होगा आप लेके आइए देखो फट सना उसको क्या करता? खींच लेता। लेकिन जैसे क्रोमियम का जो वायर होगा उसको आप लेते आइए, जैसे इसमें आपका प्रतिचुंबक में जैसे नमक ले लीजिए, जिंक ले लीजिए, कॉपर ले लीजिए, उन सभी पदार्थ को क्या करेगा? आस्ते आस्ते दूर भेजिएगा, हटाएगा, विकर्षित, हाँ विकर्षित करेगा। ठीक है, और ये अनुचुंबक वाला में जैसे आपका हो गया क्रोमियम मैग्नीज निकेल, है ना, ऑक्सीजन, ये सभी पदार्थ को दुर्बल रूप से आकर्षित करेगा, धीरे धीरे करता है। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ देखा गया डोमेन। ये डोमेन क्या होता है? जो लोह युक्त पदार्थ होता है उस लोह युक्त पदार्थ में पदार्थ का जो धात्विक आयन होता है जितना भी, यानी कि धातु आयन धनात्मक आयन विशेष क्षेत्रों में समूह के रूप में पाए जाते हैं, यानी कि किसी जगह पर किसी उसी में किसी जगह पर पूरे समूह के रूप में आयन जो है पाया जाता है धनायन। तो उस विशेष रूप या विशेष समूह का जो आयन होता है उसी आयन के समूह को हम लोग डोमेन कहते हैं। क्या कहते हैं? डोमेन कहते हैं। इस तरीके से हम लोग ठोस पदार्थ के चुंबक के गुण के आधार पर जो भी पदार्थ का प्रकार था उसके गुण के बारे में भी उसके बारे में हम लोग क्या कर लिए हैं? सीख लिए हैं।